श्री श्याम युवा मंडल समिति शास्त्री नगर जयपुर का 25वां वार्षिक उत्सव दो दिवसीय भव्य आयोजन के साथ में 29 व 30 सितंबर को श्री श्याम मंदिर सेक्टर 5 हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर में मनाया जाएगा। समिति के संस्थापक पीयूष पानी चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार दिनांक 29 सितंबर को शाम 4 बजे बिलेश्वर महादेव मंदिर शास्त्री नगर थाना सर्किल से विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। चतुर्वेदी ने बताया कि 251 महिलाएँ कलश के साथ में बैंड बाजे के साथ लवाजमे के साथ व विशाल ध्वज के साथ में कार्यक्रम स्थल श्री श्याम मंदिर सेक्टर 5 हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर पहुंचेगी। समिति के अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल व महामंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि दिनांक 30 सितंबर 2023 को सायंकाल 4 बजे श्री श्याम प्रभु की विधिवत पूजा अर्चना, छप्पन भोग एवं खाटू धाम से लाई गई पावन अखंड ज्योत की प्रज्वलन के साथ में विशाल भजन संध्या का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य संयोजक राम मनोहर शर्मा एडवोकेट, प्रमुख समाजसेवी, कलश यात्रा संयोजक कुंदन लाल चतुर्वेदी, महंत श्री बालाजी मंदिर जमारामगढ़, संरक्षक महेश शर्मा मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रजत जयंती कार्यक्रम जो इस बार होने जा रहा है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि 23 साल से जहाँ श्याम बाबा विराजमान है, कैसा सहयोग बैठा है कि जाकर के वो है ना जो उसी जगह आयोजन हो रहा है, जहाँ पे आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे से नज़र मिला करके वहाँ पे पूरी रात बाबा का जागरण होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इस समिति में पूर्व जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनको सबको निमंत्रण भेजा गया है, और इस रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उन सबको भी है जो उनका भी सम्मान किया जाएगा। जैसी श्याम प्रभु की कृपा हम सब पे रही, वो प्रभु की कृपा आप सब पे और सारे संसार पे, विश्व पे रहे, ऐसी आकांक्षा के साथ, ऐसी शुभ आशीष के साथ हम बाबा से, क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बाबा श्याम का वो मंदिर है और उस श्याम मंदिर में भी यही टीम लबोलुआब, मतलब इससे अलहदा नहीं है, इसी टीम ने उस बाबा श्याम के मंदिर की श्री गणेश से लेके आज तक की परिस्थिति में सब साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी यहाँ बैठे हैं जो सब संचालन करते हैं, वैसे ही पानी की टंकी से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रपति मैदान से नहीं, वहाँ से हम सब साथ चले थे। और आज इस 25 साल के इस पूरे स्पान में, इस पूरे पीरियड में वो की वो टीम लबोलवाब, वो की वो टीम, यानी 100 में से 98 वही हैं, 2% इधर से उधर हो सकते हैं, वो सारे लोग एक साथ रहना बड़ी बात मानता हूँ मैं।